हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अपने घर में सेफ होंगे और घर में रहना ही ज़्यादा सेफ है आप लोगों को। मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ जो शेयर किया था, मैंने आपको बताया था कि मैं आगे आपको क्या बताने वाली हूँ किस रिगार्डिंग, वो आपको पता ही है। मैं आपको मेरा जीवन का पीरियड मैंने आपके साथ शेयर किया था। मैं आज उसके साथ आपके साथ अपना खाने पीने का रूटीन शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने ज़्यादातर क्या पिया था। और आपको, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो समर में थी तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो उस समय मुझे डॉक्टर भी ये कहते थे कि मुझे पानी ज़्यादा ज़्यादा पीना चाहिए और अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना होता है। बाकी जो टैबलेट्स होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो डॉक्टर आपको देते हैं कि आपको कब कब लेनी है, कैसे लेनी है। बट मैंने जो सबसे ज़्यादा अपनी प्रेगनेंसी में पिया था वो है फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरेंज वाला ग्लूकोन डी, जो आप ज़रूर पिए। और वो ज़रूरी नहीं कि वो प्रेगनेंसी में पिए, वो आप ऐसे ही पी सकते हैं, क्योंकि आपको भी, अब तो सबको पता है कि सब पेरेंट्स मदर अपने बच्चों को देती हैं। तो मैंने सबसे ज़्यादा यही पिया था। और मैं, वो तो मेरा ये रहता था कि मेरे पास वो एक बॉटल में बना रहता था जो मैं पीती ही पीती थी। उसके अलावा मैं डेली रूटीन में कभी मेरा मन भर जाता था फीका पानी पी पी के, जैसे आप लोगों का होता है प्रेगनेंसी में बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। जो चीज़ आपको सबसे बुरी लगती है खाने में वो चीज़ आपको बहुत अच्छी लगती है, और जो चीज़ आपको सबसे गंदी लगती है वो अच्छी लगती है, जो सबसे अच्छी लगती है वो बेकार लगती है। ये मेरे साथ हुआ है, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मैं कभी शिकंजी बनाकर पीती थी, कभी लस्सी पीती थी, कभी रूह अफ़ज़ा पीती थी, कभी मैं रूह अफ़ज़ा दूध में डालकर पीती थी, मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था तो मैं, और कुछ ना कुछ मैं पीती रहती थी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी फर्स्ट ऑफ ऑल बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बनता है और ब्लड चाहिए, क्योंकि मेरी हालत, मेरी हेल्थ देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं कैसी हूँ। मुझे लोग यही कहते थे कि तुझे तो खाना पीना ज़्यादा चाहिए, तुझे तो अपना ध्यान रखना चाहिए, बेबी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बच्चे को भी पानी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो हमारे थ्रू ही खाया पिया जाता है। तो इसलिए मैं आपको सबसे पहले पानी का ही बताने वाली हूँ, खाने का मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगी कि आपको क्या क्या खाना चाहिए। क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में मुझे वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, तो मैं नींबू पानी सबसे ज़्यादा पीती थी, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ खाना ही नहीं होता था। तो मैं ये प्रे करती थी कि कम से कम मेरी बॉडी में पानी तो रहे, एटलीस्ट कि जिससे आगे दिक्कत ना हो। बस मैं यही आप लोगों को यही शेयर करना चाहती थी कि सबसे ज़्यादा मैंने पानी पिया है, और मैंने बताया आपको क्या क्या पिया। जिसकी प्रेगनेंसी समर में है वो ये ज़रूर ट्राई करें, और वो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होगा। ब्लड की बिल्कुल भी कमी नहीं आएगी आपकी, जो मेरी नहीं आई। टच वुड, मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से हुई, किसी चीज़ की टेंशन मुझे हुई नहीं। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँ जो मैं भूल गई हूँ, ये सबसे पहले पीती थी मैं। सुबह उठकर ब्रश करके मैं सबसे पहले खाली पेट नारियल पानी पीती थी, ये मैं भूल गई थी, ये मैं आपको पहले बताऊँ। ये आप ज़रूर लेना, और ये आपके बड़े घर में जो होंगे आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको, जैसे आप जब आपकी प्रेगनेंसी लगती है आपको कोई ना कोई एडवाइस ज़रूर देता है, आपको ज़रूर बताएंगे कि आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप नारियल पानी ज़रूर पीना, उसके बाद आप गुनगुना पानी पीना चाहते हैं या ठंडा पानी पीना चाहते हैं, नॉर्मल या ग्लूकोन डी या शिकंजी, कुछ भी। आई होप को मुझे पता होगा आपको मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो आपको ये वाली भी बिल्कुल पसंद आएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मेरी वीडियो ज़रूर देखना और शेयर करना। इसके लिए थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।